मॉर्निंग ब्यूटीफुल पीपल, और स्वागत है जी आप सभी का एक और नए सुपर एक्साइटेड एंड फ्रेश व्लॉग में। तो कैसे हो आप सब? बेसिकली आज हम एक ऐसी जगह पर आ चुके हैं जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा ऐतिहासिक है, काफ़ी डरावनी भी है। एडवेंचर के लिए लोग यहाँ पर अक्सर आना पसंद करते हैं। ये जो मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, ये एक बहुत ही लग रहा है कोई सांप वगैरह है, कुछ आवासी आ रही। खैर, ये जो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ, ये बेसिकली एक काफ़ी फेमस राजा का मकबरा है जिनका नाम था जनाब अली मोहम्मद ख़ान साहब। ये उनका मकबरा है और ये उनका हौज है यहाँ पर हम लोग आए हुए हैं। बेसिकली ये तो पूरा हौज फ़िलहाल अभी सूख चुका है, लेकिन पहले के टाइम में जब मेरे पापा का बचपन था, वो बताते हैं कि पहले यहाँ पर पानी हुआ करता था। इस हौज की लंबाई चौड़ाई का अंदाज़ा मैं नहीं लगा सकता क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एंड बहुत ही विशाल है, लेकिन डैड बताते हैं कि जब वो यहाँ पर आया करते थे उस वक्त यहाँ पर पानी हुआ करता था, और शायद उन्होंने यहाँ पे वज़ू भी किया हो। बेसिकली ये वज़ू करने के लिए बनाया गया था, और उनका जो मकबरा है वो सामने ऊपर को है, मैं अभी आपको वहाँ पे लेके जाऊँगा। और ये जो है यहाँ पे कुछ साफ सफाई का इंतजाम नहीं है, लोग यहाँ पे बहुत ही कम लोग आते हैं, और तो सब में हाँ घास वगैरह पेड़ वगैरह हैं, और आसपास इस हौज के बेसिकली जो है वो कब्रें हैं, कब्रिस्तान है, और बहुत ही शानदार बहुत ही पीसफुल जगह है। और लोग यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे पीछे इस ग्राउंड के अंदर लोग अपने क्रिकेट और बास्केटबॉल और फुटबॉल वगैरह खेलते हैं। अक्सर लोग यहाँ पे पीस लेने के लिए आते हैं। तो बाकी का मैं आपको आगे दिखाता हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह, और साथ में हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। गिर मत जाइयो, गिरेंगे नहीं। आजा आजा, चलो 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 चलो, वैसे ले लो। आप जो देख रहे हैं ये पब्लिक भी चल रही है, मजार पे नजारा है, कितना खतरनाक एरिया है जी। देखिए आप, रात में आता नहीं है यहाँ कोई। जो बिलाल बिलाल भाई चल रहा है हमारे रास्ता है ऐसे है क्यों नहीं है तो यार तो बहुत तो भाई होएगा ही, पुरानी है ये कवर, अभी गहरी है, गहरी होगी नहीं। शानदार है, आओ। खेती होती है सब साइड से, ये सब में खेती वेती हो रही है। इधर सब जब घर आए बिल्डिंग है, ये दिखा रहे हैं आप, जो छोटी मोटी बिल्डिंग है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, कस्बे के हिसाब से है, मतलब शहर के हिसाब मतलब सही है यार, खेती हो रही है। टावर भी है, मस्जिद का भी वो भी दिख रहा है, मीनार भी दिख रहा है, हौज वाली मस्जिद है। अच्छा व्यू आ रहा मकबरे का, उस वाले पे, उस वाले पे, उधर वाले पे, एक बड़ा है एक छोटा है। देख रहे हैं आप कितनी पब्लिक आई है, और पब्लिक आती है हर चारों तरफ से, एक सही है ताजमहल की तरह। अच्छा एक ये भी, ये क्या है खड़े होने का, ये भी खड़े होने का, लेकिन रास्ता इससे है। अच्छा ये चारों वो बना दिए हैं, क्या बोलते हैं स्तंभ, एक वो एक वो, ये खेती ये रास्ता गई है बाजार कटरे को पहुंच जाओ। एक सामने है, इधर भी खेत खलिया नहीं हो रही है, चारों तरफ से ना सेम टू सेम है, किसी तरफ से देखो, एक वो सामने, ये क्या टूट गया, ये क्या गड्ढा सा लग रहा है, गड्ढा हो गया ये कवर लग रही है। ये तीसरा है, कितना होगा, एक दो तीन चार, तीन हो गए, जो तीन होगा एक पहले वाला चौथा, एक उधर था उसके पीछे, एक ये एक ये इस पे खड़े हैं अपने, और एक जनियों के बीच वाला ना, वो तो अलग है ना, गोल वाला उधर है वो।
आप जो देख रहे हैं ये रास्ता जाने का भी दिखता है, बाजार कटरे पहुंचता है, ये घर भी दिख रहा है, ये मस्जिद दिख रही है, टावर दिख रहा है, बिल्डिंग है, मतलब अच्छा सही है। ये ईटे वीटे सब बिकी है, जंगल का एरिया है ये, और मतलब जो है खेती किसानी का भी है। जगह घूमने के लिए अच्छी है, बढ़िया अच्छी जगह है। लोग आते नहीं है, बिस्तवत को आते हैं और जुमरात को, मतलब हम जो कहते हैं हिंदू लोगों में बिस्तवत, मुसलमानों में जुमरात, जुमरात तो पब्लिक आती है, वैसे कोई से दिन नहीं आती जुमरात को जाना। अच्छा, ये जो मीनार है चारों, एक दो तीन एक पीछे वाली चार, ऊपर जाने का रास्ता है? बंद हो गया ये। क्यों बंद क्यों कर दिया? सटियाबाजी के चक्कर में। अरे पहले जो चलता था नाम लिखते थे लड़की लड़का ऊपर जाके गुम्मत पे। अच्छा तो बंद हरकत करते थे गंदी बात ही, और मतलब ऐसी सीढ़ी थी, ऐसे करके ऐसे घूम घूम के बहुत टाइम लगता था, थक जाते थे। अंधेरा गुफा था, बिल्कुल था। अंदर से मैंने सुना है कि सुरंगे भी हैं इसके अंदर। सुरंगे नहीं है, सुरंगे नहीं है, जाने का रास्ता बस खाली। नहीं नहीं, ये जो ये गोल गोल है ना मीनार, इसके अंदर सुरंग है क्या? सुरंग नहीं है, अंधेरा सा रहता है, मतलब गुफा की तरह। अच्छा, ऐसी कट उट की जगह, मतलब गोल गोल। अच्छा अच्छा, उसकी वजह से खतरा लगता था, डर लगता था, बहुत टाइम लगता था। जो दिख रहे आए नीचे, नीचे नहीं है, जो बहुत ऊपर है, ऊपर का दौला देखेगा, ऊपर से देखेगा। अब जो देखो कितना पुराना हो चुका है, घास सब जमा हुई है, ये जो पेड़ वेड़ निकले आए, जो निकलने का टाइम नहीं है, निकले आए लापरवाही के चक्कर में, अब इसे पुताई हो। मकबरा हमने आपको घुमा दिया, इसके अंदर लेके चलते हैं। इसके अंदर बेसिकली जो है मजार की चारों तरफ से चार जंजीरें लटका के रखी हैं, और ऐसा मानते हैं कि अगर आपने चारों जंजीरों को पकड़ लिया, मतलब ऐसे उचक के आपने छू लिया, तो आपकी जो दिली मुराद है, तमन्ना है, वो पूरी हो जाएगी। तो सोचते हैं कि हम भी चलो कोशिश करके देखते हैं कि शायद हम उन जंजीरों को छू लें। आई होप, चलो देखते हैं, अंदर चलें इसके, चलो। ऐसे ही है, ऐसे अंधेरा बहुत है यार। आशिक तो आशिक है हर जगह साला, आशिक आशिक इसको बोलते हैं, आशिक। काफी अंधेरा है यार है फेम भाई, ये लिखा है गुड़िया गुड़िया गुड्डू, ये साले आशिक ना मानेंगे। पूरा मकबरा इन्होंने छान मारा है, श्योता, राजकुमार, हफीज। नाम यार, नाम सब जगह लिखा है, हम नाम देख रहे हैं इस वक्त को, खेल ना करेंगे। ऐसी कौन सी दीवार नहीं लिखी है, दिल दुखता, दिल दुखता हमारा देख देख के। जमशेद, और ये क्या है कि अजीम, तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं, नीचे भी लिख दिया भले आदमी ने, सर कह दे रहा हूँ, पूरा सजा हुआ है, जो चल हुआ है। नाम से क्या होता? नाम से जो है लड़की लड़का जो है प्रेम मोहब्बत रखती है अपने आप को, एक दूसरे को मिल जाते नाम लिखने से। अच्छा जी, उनके मैं तेरा आशिक हूँ, देख मैं तेरा नाम लिखता हूँ। तो मानते हो ऐसा लड़के मिल जाते हैं नाम लिखने से? सब गलत फहमी है, सब सोच वाली गलत है, कुछ नहीं होता ऐसा। लड़के मर रहे हैं खाली, मिली गई लड़की धोखा दे रही है इस वक्त। अच्छा, कोई फायदा नहीं है, ये बात तो है। पीछे क्या है ये आपके? ये है, इसमें मजा आ रहा है, और चलें। चली। उसे जाने का नहीं होता है, आप कह रहे हैं तो चलिए। जाने का क्यों नहीं होता? पुराना है, इसके अंदर कवरे हैं। काका ये ईंट का है, हुआ है ये सब। चप्पल निकाल देते हैं, कितनी कब्रें हैं? दो और भी हैं, लेकिन फिलहाल दो ही नजर आ रही है मुझे। दो तो ही कब्रें हैं। अच्छा, ये बताए राजा साहब के घर वालों की कब्रें होंगी ये, जहाँ तक है। ऐसी जगह पे हमेशा चप्पल उतार के आना चाहिए। फहीम भाई आओ ना अंदर, एक कब्र ये है, एक कब्र ये है। हाँ खतरे का एरिया है। हाँ, कांटा भुका मेरे पैर में। ऐसी था ये, इसके ऊपर छत भी थी क्या? छत ना थी, शुरू से ऐसी ही है ये। काका ये ईंटों का बना हुआ है, शुरू से पेड़ फेड़ा है, गड्ढे वड्ढे देखो जी हो गए गुम्मत में, सब में गड्ढे गड्ढे हो गए, टूट गया सब। टूटा नहीं है ये मकबरे के सामने। मुझे लगता है कि राजा साहब की जो थे उनकी फैमिली, बच्चे, बीवी, चाचा वगैरह उनके, या उनके भैया वगैरह, उन्हीं की शायद ये कब्र है, जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है।
मतलब गुम्मत के ऊपर पेड़ कैसे निकल गया यार? पेड़ तो निकलने ही वाले भाई। जैसे हाजी अली में समंदर में जैसे मजा निकला था, हाँ। पानी के बीच के बीच में ऐसे इसका नजारा है कुदरती, ऐसे उसका नजारा है कुदरती। वही तो देखो यार, हैरत की बात है। गुम्मत के ऊपर पेड़, कोई सवाल ही नहीं है पेड़ निकलने, कोई सवाल नहीं है, बात सही है आपकी। कुदरती नजारा है भाई। चले आगे, चलो ऊपर घास भी है। ये जड़े देख रहे हैं, देखो कैसे निकल के गई, पकड़ी हुई टोबे से। ये जड़े जो है देखो, ये जड़े, ये देखो कितनी पुरानी जड़ा है। अब कहाँ से निकल के गई? बीचों बीच में से, बिल्कुल नाली के साइड में से, बिल्कुल। हाँ यार, है चिपको भी यही ऐसे, और काटने से नहीं काटंगी और ना छटाने से छटंगी। कैसे जमाने पुराने की बताओ। वही तो हैरत है, कुदरती नजारा है। मतलब बिल्डिंग के ऊपर पेड़ है तो वो भी इतने मोटे मोटे जड़े और जड़े निकल रही है उसके अंदर सब सामने। वो फहीम भाई, ये सामने क्या है? ये इमामबाड़ा है, इमामबाड़ा भी है, सबसे मस्जिद भी है। चप्पल दही उतार दे, इसमें नमाज भी पढ़ते हैं। नहीं उतार दे, नीचे उतार दे रहे हैं। ये इमामबाड़ा है जिसमें नमाज पढ़ते हैं लोग, है। कुछ रखा है इसके अंदर है? है उस साइड में रखा है। कैदुरिया इमाम बड़ा है ये। जो ये इसके अंदर का जो ताला लगा हुआ है और जो पुरानी किवाड़ है काई हो गई है, इसको नाम लिखा हुआ है, किवाड़ तक पे नाम लिखा हुआ है। जी देखिए इसका ही लॉक है। हाँ। और जो ताला है इसमें चाबी खोल के इसको खटखट कराया है। और ये सीढ़ी जो है जीना गया है गोल गोल जी, और गुम्बद तक गया है। एक ही है मतलब फिलहाल, और कहीं नहीं। अच्छा, गुम्बद तक रास्ता है जाने की। ये और समझ आती है। अच्छा, पेड़ वेड़ देख रहे हैं आप, जो यहाँ भी हैं, देखिए आप कुदरत का नज़ारा देखिए, कितना अच्छा लगता है। इसमें नाम जो बंद करा है जो मियाँ लोगों ने, इसकी वजह से बंद करा है। लड़की लड़का जो है नाम लिखते थे, मतलब ऊपर जाके, ऊपर जाके जीने पे, किवाड़ों पे, अंदर सब जगह, मतलब कोई जगह छोड़ी नहीं है, कोई जगह नहीं छोड़ी है जहाँ नाम लिखा नहीं है। नाम सब जगह है, पूरे उसमें लिखा हुआ है। बताइए, अब जो गंदा हो गया और नापक पाओ। हाँ, कितनी गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए यार। वजह से ताला लगाया, सही किया कि ताला लगा दिया। तो सही करा, ये ताला लगा दिया। खूबसूरत नज़ारा है, चारों तरफ से एक सा ही है। और हम लोग जो अभी आए थे वो आए थे इस साइड से, ये रास्ता आने का है और ये जीना। और जब ऐसे आओगे आप तो ये मकबरे पे आ जाओगे आप। और इसके चार कोने हैं, चार कोने से एक सा है। और अभी हम जो खड़े हैं वो ये पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, गोल सा है काफ़ी बड़ा सा। यहाँ आई थिंक राजा के खड़े हुए होंगे पहरेदार शायद। और बढ़िया है। और यहाँ पर एक कुआं भी है जिसे यहाँ के लोग बोलते हैं कि ये परियों वाला कुआं है। मैं दिखाता हूँ आपको, ये है वो कुआं, थोड़ा सा टूट गया है। ये है शायद, यहाँ पे फूल भी रखे हैं। फैमे खुला है, बंद है? ये खुला है, ये है अगरबत्ती भी लगा रखी है, बहुत गहरा है। शायद ये मेरे ख्याल से कैबिन है ये इन लोगों का। भाई वहाँ भी नाम लिख दिया यार, देखो क्या लिखा है, मन्नू वन्नू, क्या है ये? सब जगह नाम लिखा हुआ, हर जगह नाम यार, हद कर दी इन लोगों ने। और ये मकबरा है, मकबरे के सामने हमें एक चीज़ नज़र आई जो वो है ये कुंडा। मुझे लगता है शायद ये कुंडे में राजा के हाथी या ऊंट बंधे होते होंगे। भाई ये अंदर है, इसके खुलेगा नहीं, ये बहुत जमुआ है। पत्थरी है, क्या है ये? पत्थर है, समझ नहीं आ रहा। पत्थर है ये, पत्थर है ना, इसमें होना हो। ये बस एक ही है, एक ही है। तो जैसे कि हमने आपको पूरा मकबरा घुमा दिया, ये जो मकबरा था जो रॉयल खंड के नवाब साहब थे अली मोहम्मद खान साहब, उनका ये मकबरा है। अंदर उनका मदार शरीफ भी मौजूद है जो कि बंद रहता है अक्सर, वो नहीं खोलते। और जमरात वाले खुल जाता जी जी। और जो भी यहाँ पर हिस्ट्री है बता दी मैंने आपको, और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आके, पीसफुल जगह है। अगर आप लोग कभी बरेली आते हो या फिर आंवला आते हो तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट करें एक बार। पाक साफ होके आएँ, अच्छी मुरादें लेके आएँ, इंशाल्लाह सफलता मिलेगी आपको। और प्लीज़ यहाँ पर गंदगी ना फैलाएँ। और यहाँ पर जो लोगों ने नाम लिख के रखे हैं, नाम बिल्कुल ना लिखें, क्योंकि ऐसी जगहों को हमें साफ रखना चाहिए। क्योंकि अब इनकी मरम्मत नहीं होती और नाम लिख के इनकी शोभा ख़राब हो जाती है, ठीक है ना। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको पसंद आई है ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ख्याल रखें अपना, बाय बाय, मिलता हूँ आपसे बहुत जल्दी एक और नई वीडियो के लिए। बाय, धन्यवाद एंड टेक केयर।